देखिए, मैं समझता हूं कि 6 मार्च से शुरू होकर 16 मार्च तक का जो करीब 10 दिन की समय अवधि है वो इस देश के आम आदमी के लिए काफी महंगी साबित होने वाली है। 6 मार्च को पहले रेलवे फ्रेट में फ्रेट इक्वलाइजेशन के नाम पर 20 से 35% की बढ़ोतरी की गई, जिससे सार्वत्रिक मूल्य वृद्धि हो सकती है। उसके बाद 14 तारीख को रेल बजट आया, प्रवासी जो है उसके लिए आम सेकंड क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास एसी तक की सब टिकटों के दरों पर वृद्धि की गई। आज यह बजट आया जिसमें वित्त मंत्री जी ने एक्साइज और सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी करके 2% और बोझ लगाया है। कई जगह तो ऐसी है कि हम जो रियायतें आयकर के स्लैब में वृद्धि होने से एक आम आदमी को राहत होगी वो सोचते हैं वो धुल जाएगी। मैं आपको उदाहरण देके ये बात बताना चाहूंगा। आज सोचिए, अभी फिर से शादी की मौसम तो आने वाली है, किसी के घर शादी है तो हर तरह का खर्च वो करेगा, मंडप बनेगा, सर्विस टैक्स लगेगा, ब्यूटी पार्लर की सेवाओं पे सर्विस टैक्स लगेगा। पहले ब्रांडेड ज्वेलरी पे एक्साइज थी, अब तो अनब्रांडेड ज्वेलरी पे भी एक्साइज लगेगी। इसके बाद आगे चल के आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराए, सर्विस टैक्स लगेगा। कपड़े धुलवाने हैं, ड्राई क्लीनिंग करवाना है, सर्विस टैक्स लगेगा। आप कोई ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं तो ब्रांडेड क्लोथ पे भी सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स एक्साइज है, वो लगेगी। तो कुल मिला के ये जो मूल्य वृद्धि होने वाली है, बढ़ोतरी होने वाली है मूल्यों में, महंगाई बढ़ेगी 5 से 10%। इसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है और अगर ये महंगाई बढ़ेगी तो उसका बोझ आम आदमी पे इतना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि 3 बढ़ोतरी हुई, पहले फ्रेट इक्वलाइजेशन, उसके बाद रेल टिकटों में, उसके बाद आज सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स में, कुल मिला के 90,000 करोड़ रुपया का बोझ इस देश की जनता पे डाला गया है। उसके सामने हम अपेक्षा करते थे कि अभी ये माहौल जो है वो उद्योग और व्यापार के लिए कुछ मंदी का माहौल है, उसमें कुछ ऐसे कदम लिए जाएंगे जिससे ये माहौल में कोई बदलाव आए, तो कोई भी इंडस्ट्री के लिए स्टिम्यूलस डोज है नहीं। कोई छोटे मोटे बातों को हम छोड़ दे तो कोई भी मेजर इनिशिएटिव ऐसा नहीं है कि जिससे इंडस्ट्री को कोई खास फायदा हो। और ये सब चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें तो एविएशन को जो है इन्होंने थोड़ा, देखिए मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, एविएशन फ्यूल में रियायत मिलने से शायद ही इसका फायदा आम आदमी को होगा, मगर आम आदमी के जो खर्चे हैं उस पे तो सर्विस टैक्स की क्या असर होगी, मैंने बताया आपको। शायद कफन पे भी एक्साइज लगेगी और मृत्यु के बाद अगर श्रद्धांजलि के लिए आप मंडप बांधते हैं तो उस पे भी सर्विस टैक्स लगेगा। सो वो LIC का सूत्र है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी प्रणदा का लेना देना चालू रहेगा। तो ये परिस्थिति है और ये परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि जो मुद्दे लेकर हम सोच रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ रही है, 4.6% का अंदाज था, बढ़कर 5.9% हुई है, हमारा जो GDP ग्रोथ रेट है वो करीब 7% रहा है, तो ये दोनों चीजों को ये बजट से कोई फायदा नहीं होना। ये टाइम भी जो फिस्कल डेफिसिट का अंदाज रखा गया है, मैं मानता हूं कि अगले बजट में जो वित्त मंत्री
होंगे, वो जब बजट पेश करेंगे ये अंदाज भी गलत साबित होगा और 6.5% से ऊपर फिस्कल डेफिसिट आपको देखने मिलेगा। थोड़ा सेगमेंटाइज इसको करें, अगर आम आदमियों में सैलराइड जो है उनको उनको देखा जाए, किसान को देखा जाए, लेबर्स को देखा जाए, तो उनके लिए क्या देखते हैं? देखिए, एक तो अक्रॉस द बोर्ड आम आदमी के लिए हर चीज की कीमतें बढ़ेगी, तो आप किसी भी क्षेत्र को लो, किसान है या मजदूर है या कोई सर्विस क्लास से आदमी आता है, क्योंकि ईपीएफ के इसमें भी कुछ प्रकार से कटौती, ईपीएफ के रेट में भी अभी अभी कटौती की गई है, 1.25% उसमें कटौती हुई है, तो हर तरह से देखिए आप, तो उसको या तो उसकी आय घटेगी या महंगाई का बोझ पड़ेगा। अगर आप इन्फ्लेशन को इससे काबू में रखना चाहते हो तो साथ साथ जो आपका जीडीपी ग्रोथ का टारगेट है वो भी आप अचीव नहीं कर पाओगे, तो आगे चल के ये भी फिस्कल डेफिसिट में कन्वर्ट होगा। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि ये बजट ऐसा है जिसमें नीति विषय के, बजट कोई अकाउंटेंट का कोई जमा उधार का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो सरकार किस दिशा में इस देश की अर्थनीति को ले जा रही है वो तय करता है। तो आप देखिए, न तो डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में इसमें कोई ठोस बात कही गई है, न तो ये सीएसटी नाबूदी के बारे में कोई बात की गई है, अपेक्षा थी कि सीएसटी में एक पॉइंट और घटेगा, वो नहीं हुआ है, जीएसटी लगा रहे हैं, फिर एक्साइज और सर्विस टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो जो नीति विषयक बातें हैं वो पार्लियामेंट पे छोड़ी है, और ये दोनों पल्ले बराबर करने का काम है वो बजट में अकाउंटेंट की तरफ फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। कुल मिला के मैं कहूंगा कि ये बजट दिशाहीन और महंगाई को बढ़ोतरी देने वाला बजट साबित होगा। आम आदमी को जो मिला है उससे कई गुना ज्यादा कीमतों में वृद्धि होने से उसकी जेब में से निकल जाएगा। क्या लगता है कि ये बजट आम आदमी के साथ साथ यूपीए सरकार पर भी भारी पड़ेगा? देखिए, यूपीए सरकार पे तो खुद अपना वजन ही भारी पड़ रहा है, अभी क्या चल रहा है रेल मंत्रालय में आप जानते हो, तो यूपीए सरकार पे भारी पड़ने की तो वैसे भी उनकी जो आज की विडंबनाएं हैं वो उनपे भारी पड़ रही है। आज भी इनके सहयोगी कहीं रूठे हैं, कहीं रूठने जा रहे हैं, आज भी उनकी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। तो यूपीए सरकार की बात हम करें वो तो एक अलग दायरे में देखनी चाहिए, मगर अपेक्षा ये थी, यह वर्ष ही आखिरी वर्ष था, क्योंकि अगले साल का बजट होगा प्री इलेक्शन ईयर बजट होगा, उसमें कोई बोल्ड इनिशिएटिव फाइनेंस मिनिस्टर ले वो अपेक्षित नहीं है। ये एक ही मौका था जब फिस्कल कंसोलिडेशन से लेकर बाकी के सब चीजों पे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ये बजट का उपयोग करके करेक्शन करने का प्रयास किया होता, कम नसीब ये रही कि ऐसा कुछ हुआ नहीं।